अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर बतूल अशरफ। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ उस की बहुत फरमाइश है, और वो है 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स में के बच्चों में वेट गेन होना क्यों इतनी तेज़ी से हो रहा है, क्या वजूहत हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि आपका वेट स्टक हो गया है डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ, कंटिन्यूस कार्डियो एक्सरसाइजेस के साथ भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने की ज़रूरत है। 13 ईयर्स बेसिकली वो एज ग्रुप होता है जब बच्चे अपनी 11 ईयर्स की एज से एडोलेसेंस में ब्लोअर्थ में दाखिल हो रहे होते हैं, तो उस वक्त मेटाबॉलिज्म को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेटाबॉलिज्म इस तरह सही रह सकता है कि उसको आप कोरिलेट करें या इंटर रिलेट करें अपनी स्लीप साइकिल से, ऑर्गेनिक स्लीप साइकिल। सिर्फ सोना ज़रूरी नहीं होता, सही टाइम पे, सही वक्त पे अच्छा सोना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए। नाश्ता कम अज़ कम आपने सुबह करना है 6 से 7 बजे के दरमियान, उसके बाद, और वो भी अच्छा नाश्ता। मैं कोशिश करती हूँ, 13 ईयर्स पे जो कॉमनली आजकल कंप्लेन है वो है खून की कमी की। तो खून की कमी के लिए बेसिकली आप स्टार्ट योर डाइट विद एप्पल, या जो है आपने जो भी आपका मौसम का फल है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और दूसरे विटामिंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, आप वो लीजिए। पहले वो आप खा लीजिए सुबह में, और उसके बाद अपना नॉर्मल नाश्ता कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, एग्स, ऑमलेट और राइस, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इट, ओट मील, क्यूनोवा, जितना हेल्दी डाइट करेंगे नाश्ते में उतनी अच्छा आपका वेट मेंटेन रहता है विद द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। ना आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे और ना मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद आपने फैट चना, काला चना, फ्रूट्स, 2 केले ले लीजिए, 2 ककम्बर्स ले लीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए। उसके बाद 12 बजे तक के आपने लंच कर लेना है, एंड देन आपने कोई भी स्नैक ले लेना है। स्नैक में आप फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, आप नट्स भी शामिल कर सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं, आप सैलेड भी ले सकते हैं। डिनर के लिए, डिनर शुड एंड बाय 8 to 9 o'clock मैक्सिमम, डिपेंडिंग कि मगरिब और इशा की नमाज का टाइम क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं नमाजों के साथ जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम शमसी है उसी के साथ इंटरलिंक होती है, हमारे हार्मोन्स उसी के लिहाज से जो है रिलीज होते हैं, और हमें खाना पीना उठना सोना सब उसी के मुताबिक रखना चाहिए। तो कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को ऑर्गेनिकली इन सब के साथ जो है कोरिलेट कीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखिए, दिन में 5 से 6 दफ़ा खाइए, स्लीप प्रॉपर लीजिए। स्लीप प्रॉपर लेने का मतलब होता है जो टाइम सोने का है रात को रात समझिए, इशा को इशा समझना चाहिए, फजर को फजर समझना चाहिए। जब हमने ये करना शुरू कर दिया, हमारी बॉडी खुद ब खुद हार्मोनली बैलेंस हो जाती है, अंदर से ठीक हो जाती है। आजकल बच्चों में आप कॉमनली इशूज़ देख लीजिए, हाइट नहीं बढ़ रही है, बाल गिर रहे हैं, बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं,
तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप जंक फूड नहीं इस्तेमाल करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो वंस इन अ वीक करिए, लेकिन अपनी बॉडी को फिर डिटॉक्स भी करिए। दूसरे दिन आप ककम्बर्स का इस्तेमाल कीजिए, टमेटोज लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसबगोल पीजिए, चिया सीड का इस्तेमाल कीजिए, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो सके। इनके साथ नारियल का दूध, नारियल का पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, ताकि बालों को, आपकी बॉडी को अच्छी विटामिन डी मिल सके, अच्छा जिंक का लेवल मिल सके, ताकि बाल जो उससे पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं वो सही हो सके। इसके जो है बच्चे नहीं सुनते, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो नहीं काम करते। विटामिन डी ज़रूर चेक कराइए, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ज़रूर चेक कराइए, थायराइड ज़रूर चेक कराइए, ताकि जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको अर्ली स्टेज पे ही रिजॉल्व किया जा सके। इसलिए अगर बच्चे 16 ईयर से ऊपर हैं तो मैं मोस्टली प्रिस्क्राइब करती हूँ विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों में आदत डालें कि ग्लूटाथायोन ज़रूर लें। ग्लूटाथायोन बेसिकली लिवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ जो है एंजाइम्स को और हार्मोन्स को बैलेंस भी करता है। तो वो लड़कियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, वो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के साथ साथ ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी बॉडी को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। जो आजकल लेट नाइट सेटिंग्स और आधी रात से भी 12 बजे के बाद, तो क्या सुबह 4 बजे 5 बजे सोना बहुत गलत है। इससे इंटरनली हमारे हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जिनको 9-10 बजे सो जाना चाहिए, वो जाग रहे होते हैं। जब उनका निज़ाम जागने वाला नहीं है, हम उनको अगेंस्ट उनके निज़ाम के लेकर चलेंगे, तो फिर बॉडी में टूट फूट का अमल होना नेचुरली है। तो कोशिश कीजिए कि इस पर कंट्रोल कीजिए। ग्लूटाथायोन बेसिकली मैं ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें कोलेजन भी है, विटामिन सी भी है, CoQ10 भी है। 16 ईयर ऑनवर्ड्स के लिए बेहतरीन होता है वो लोग जिनको अर्ली प्रॉब्लम हो रही है, या आप देखें बच्चे शिकायत करती हैं 15 ईयर्स के बाद कि हमारी गर्दन काली होनी शुरू हो गई, या हमारा जो है वो स्किन का कलर टैन होना शुरू हो जा रहा है। तो ये उस चिड़चिड़ेपन को और जो है जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं 13 ईयर्स के बाद, उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। फास्ट करने के लिए दो चीज़ों का करना ज़रूरी है, एक है इंक्रीज प्रोटीन डाइट और दूसरा कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनमें चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं लाइक दिस इज़ द वन, और इसमें गार्सिनिया कंबोजिया और मिल्क थिसल है। मिल्क थिसल बेसिकली लिवर को डिटॉक्स करता है, इसको सिलमेरिन भी कहते हैं, और गार्सिनिया कंबोजिया बेसिकली लहसुन की फैमिली से होता है और इससे भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो वो लोग जो कोशिश करते हैं कि हम 2 घंटे भाग रहे हैं और डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करने के साथ उनका वेट लॉस उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, दे शुड यूज़ दिस वन। इसको खाने से पहले आधा घंटे पहले इस्तेमाल करना है, ये आपके इंसुलिन लेवल को बैलेंस करेगा, थायराइड को बैलेंस करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा, और वो मेटाबॉलिज्म जो आप एक्सरसाइज से अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको इससे इजीली अचीव हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे आपका हेल्दी वेट लॉस होता है, स्टार्ट होना जल्दी शुरू हो जाएगा विदाउट सैगिंग ऑफ योर बॉडी। आप वो डाइट फॉलो करिए, वो एक्सरसाइज फॉलो करिए जो आप, जिस पर आप सस्टेन रह सकें। 2 घंटे एक्सरसाइज करना इज़ नॉट वर्थ इट, आप सिर्फ अपनी हड्डियों को घिस रहे हैं। कोशिश करिए कि आधा घंटा करिए और हर 2 घंटे पे खाइए, ताकि आपकी बॉडी में तेज़ी से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो। सिर्फ सुबह का नाश्ता कर लेना, बहुत सारे लोग सुबह का नाश्ता करते ही नहीं हैं, तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, वो भी बादशाहों वाला। तो इसके अलावा कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, ताकि ऑक्सीजन का लेवल आपका मेंटेन रह सके। और अगर आप ये सारी चीज़ें करने में सुस्ती आती है, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप सुबह उठें उस वक्त आपने 1 गिलास गर्म पानी में बगोल का इस्तेमाल करना है। कैसे बनाना है, किस तरह यूज़ होगा, मैं आपको बताती हूँ। ओके, इस मेटाबॉलिक ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून फ्लैक्सीड मील, फ्लैक्सीड पाउडर है ये पिसा हुआ बेसिकली, चिया सीड पाउडर 1/2 टीस्पून और ब्लैक सीड पाउडर यानी कलौंजी का पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तीनों पाउडर्स को हम मिलाएंगे 1 गिलास गर्म पानी में। 1 गिलास गर्म पानी मैंने ये ले लिया है, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी चिया सीड पाउडर। गर्म पानी में ही ये खुद ही जेल जैसा फॉर्म हो जाता है। ये है 1/2 सीड चिया सीड पाउडर, सबसे पहले मैंने इसको डाला। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी कलौंजी का पाउडर 1/2 टीस्पून,
इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी फ्लैक्स सीड का पाउडर। इससे बेसिकली बच्चों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और जिनको ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जायका इसका बिल्कुल ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, बिल्कुल सादा सा जायका होता है। अगर बच्चे पसंद नहीं करें तो आप इसमें हाफ टी स्पून से कम, बिल्कुल वन ड्रॉप ऑफ लेमन या वन ड्रॉप ऑफ हनी भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें बेसिकली इसबगोल भी ऐड करती हूँ ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन ये थ्री बेसिक्स पाउडर भी जो है वो काफ़ी हैं, और सिर्फ अगर आप ये सुबह निहार मुँह पिला देंगे, और जो बच्चे निहार मुँह ना पी सकें आप उनको शाम में मगरिब से एक घंटा पहले देकर आदत डालिए और ये घटाघट पिला दीजिए, खुद ब खुद आप देखेंगे कि इंसुलिन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो गर्दन का कालापन खुद ब खुद जो है अंदर से वेट लॉस हो गया। अब ये देखें ये चिया सीड इस तरह जो है ये जेल की तरह बन जाता है। तो बहुत अच्छी सी ड्रिंक है, इसको ज़रूर पिलाइए बच्चों को। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छा सादा पीना है उतना बेहतर रहता है, उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। अब ये देखें जेल बन गया, बस ये जेल फॉर्म हो आपने ऐसे चलाना है इसको, एक मिनट के अंदर आप इसे पी जाइए तीन सांसों में, और फिर देखें इसका कमाल। ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे लेवल पे रखता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है, सारी बच्चों की जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ब खुद इससे सही होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। सुबह आपने इसको नीम गर्म पानी और ज़्यादा गर्म पानी के साथ पीना है, डेली बेसिस पे लीजिए। इससे ना सिर्फ इंटरनली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा बल्कि इट डिटॉक्स योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, आपके लिवर को अच्छा रखेगा, इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करेगा और इंटरनली हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उसे देखते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।